तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। लगातार यूपी में कार्रवाई चल रही है और असर पड़ोसी राज्य बिहार में भी हो रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पटना सिटी में कार्रवाई देखने को मिली है। पहले बुलडोजर चला और अब बिहार में भी लाउडस्पीकर हटाए जाने लगे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटना सिटी में यूपी की तर्ज पर अब पटना सिटी में भी लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और बिहार में भी उसका असर दिख रहा है। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारे से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुद्वारे के जत्थेदार रंजीत सिंह ने लाउडस्पीकर हटाने पर बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान बहरे नहीं है, उन्हें चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं है, वो दिल की बातों को सुन लेते हैं, भगवान सुन लेते हैं दिल की बात, ऐसा रंजीत सिंह ने कहा है। उन्होंने कहा है कि धर्म वही है जिससे लोगों को परेशानी ना हो। उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक गुरुद्वारा कैंपस में ही बज रहा है लाउडस्पीकर। उन्होंने लाउडस्पीकर बजाने की बात तो कही है, लेकिन कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उसी के मुताबिक लाउडस्पीकर बजाया जाएगा, ना कि लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को परेशान किया जाएगा। तो भगवान बहरे नहीं है, उन्हें चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा तख्त श्री हरिमंदिर से तस्वीरें देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई है, उसी लेवल पर चाहिए, क्योंकि ईश्वर भगवान कोई बहरा नहीं है जिसको चिल्ला कर कहने की जरूरत पड़े, वो हमारे दिल की भी जानता है, और धर्म नहीं किसी को कष्ट पहुंचाता। इसीलिए चाहे कोई धार्मिक स्थान है, हमारे यहाँ तक श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जी की ही बात करें तो हम भी पूरा यत्न करेंगे कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का दिशा निर्देश है आवाज़ के संबंध में, ध्वनि प्रसारण के संबंध में, उनको पूरा पालन। तो हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पटना सिटी से मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या लगता है यूपी के तर्ज पर यह कार्रवाई, या फिर जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है तख्त श्री मंदिर से, क्या वहां पर जो तस्वीर दिख रही है या क्यों कहा जा रहा है, जो बातें कही गई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पहले ही पालन शुरू हो गया? जहां तक मैं बात की, जिस तरीके से यूपी या अन्य राज्यों में जिस तरीके से फरमान जारी किया गया है कि कोई भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर को नहीं बजाने के लिए लगाने के लिए, क्योंकि उससे प्रदूषण फैलता और धार्मिक स्थल के हिसाब से लोगों को काफी परेशानियां होती है जिस समय से लाउड स्पीकर बजते तेज आवाज में। लेकिन अगर पर यहाँ पटना साहिब गुरुद्वारा की अगर बात करें, यहाँ लाउड स्पीकर लगा हुआ है, लेकिन जो भी आवाज प्रवचन जो होते हैं वो ध्वनि केवल गुरुद्वारा के कैंपस में ही तक रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। और जहाँ तक बात किया जाती है, सरकार ने साफ तौर से कहा है कि हम लोग भी पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार से हम लोग ये पालन कर रहे हैं नियम को, अगर कभी किसी को आपत्ति होती है तो हम लोग भी लाउड स्पीकर को हटाने से परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन दिया है उस गाइडलाइन को हम लोग पूरी तरीके से नियम का पालन कर रहे हैं, और उसी ध्वनि के आवाज पे हम लोग ये गाना बजाना या प्रवचन जो भी होते हैं उसके नियंत्रण के हिसाब से हम लोग ध्वनि प्रदूषण का प्रवचन कर रहे हैं, और उतना ही आवाज में हम लोग कर रहे हैं कि ताकि लोग। चलिए, कुल मिलाकर के देखें तो जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उस पर जो भी प्रवचन या फिर भजन कीर्तन जो गुरुद्वारे में चल रहे हैं वो उससे आवाज से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि जो आदेश दिया गया है कोर्ट के तहत उसका वो पूरी तरीके से पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दूं एक बार फिर से कि पटना सिटी में भी यूपी के तर्ज पर जिस तरीके से यूपी में अब तक हजारों लाउडस्पीकर कई धार्मिक स्थलों से हटाए जा चुके हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारे हो, सभी जगह से जो लाउडस्पीकर हटाए गए हैं उसके बाद अब बिहार में भी देखने को मिला है। बिहार के पड़ोसी यानी कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में भी अब उसका असर दिखा है। यहाँ पर धार्मिक स्थलों पर से लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स जो है वो हटाए जाने लगे। हालांकि सबसे पहली तस्वीर पटना सिटी में देखने को मिली है, जहाँ पर पटना सिटी स्थित ऐतिहासिक तख्त श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारे में लगे लाउडस्पीकर को पहले ही गुरुद्वारे की तरफ से हटा दिया गया है। इस संबंध में गुरुद्वारे के जत्थेदार रंजीत